टॉप 10 शोज की वीकली टीआरपी आ गई है सामने। वेल, एक बार फिर से कौन से शोज ने मारा है बाजी और कौन सा शो रह गया है पीछे, चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। वेल, आपको बता दें कि टीआरपी, वो भी जो सुपर स्पेशल शोज होते हैं, उनको जाने के लिए फैंस तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और साथ ही साथ फैंस के अंदर ये एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब उनके फेवरेट शोज की टीआरपी आने वाली होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जहाँ के लगातार नागन 6 और अनुपमा को लेकर काफ़ी ज़्यादा फैंडम चल रहा है, तो वहीं नागन 6 से कहीं ना कहीं फैंस को उम्मीद होती है कि नागन 6 की टीआरपी इस बार कुछ तो बढ़कर आएगी। वेल, आपको बता दूँ कि नागन 6 ने आप लोगों की उम्मीदों को पीछे नहीं छोड़ा है और पिछले हफ्ते से टीआरपी में नागन 6 ने बाजी मार ली है। वेल, सबसे पहले 10th नंबर से शुरू करते हैं कि आखिरकार 10वें नंबर पर लिस्टिंग में कौन है, कौन सा शो है शामिल। वेल, 10वें नंबर पर है उड्डारिया, तो वहीं 9th नंबर पर है कुंडली भाग्य। 8th पर है साथ निभाना साथिया सीजन 2, तो वहीं 7th पर है कुमकुम भाग्य। वेल, 6th पर है नागन 6 1.8 टीआरपी के साथ, जहां के पिछले हफ्ते नागन 6 की टीआरपी 1.7 थी, वहीं नागन 6 की टीआरपी इस हफ्ते 1.8 है। वहीं 5th नंबर पर है इमली 2.3 टीआरपी के साथ। 4th नंबर पर है ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.4 टीआरपी के साथ। 3rd नंबर पर है गुम है किसी के प्यार में 2.6 टीआरपी के साथ। वहीं 2nd नंबर पर है ये है चाहते 2.6 टीआरपी के साथ। वह पहले नंबर पर है अनुपमा 3.5 टीआरपी के साथ। नागन 6 को नंबर 1 की जगह लेने में अभी काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपमा लिटरली पूरे के पूरे महीने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है और नंबर 1 की टीआरपी वाला ये सीरियल लगातार बनता आया है। वेल, आखिरकार अनुपमा को टक्कर देना क्या नागन 6 के नसीब में होने वाला है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।